राहुल गांधी शनिवार को 4 दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। दौरे की शुरुआत उन्होंने मंदिर दर्शन से की। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अपने 4 दिवसीय कर्नाटक दौरे की शुरुआत उन्होंने बेल्लारी से की, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो आपको झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, उन पे भरोसा करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। नरेंद्र मोदी जी के शब्द खोखले हैं, वह जो कहते हैं करते नहीं। मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा, नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने 1.5 घंटे के लंबे भाषण में ना तो भविष्य के बारे में बात की, ना युवाओं को रोजगार देने के बारे में बात की और ना ही किसानों को मदद देने के बारे में बात की। उन्होंने 1 घंटे का समय केवल कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने में खर्च किया। देश प्रधानमंत्री से भविष्य के बारे में क्या जानना चाहता है? राहुल गांधी 4 दिन तक कर्नाटक में रहेंगे। इस दौरान वह बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर, गुलबर्गा जैसी जगहों पर जाएंगे।